हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम के 6 बजने वाले थे, 5:30 से ऊपर हो गया था टाइम, और मैं आ गई थी किचन में। पहले मैंने रखा दूध गर्म होने को, और अभी ये सब मैं कर ही रही थी तब तक दक्षिता की डिमांड हो गई, मामा मैगी बना दो, और उसको भूख लग रही थी तो इसलिए मैंने बना दी एक तरफ से मैगी। तो बस यही होता है बच्चों के साथ, कैसे काम में ही दिन निकल जाता है पता नहीं चलता है। और अभी जब से समर वेकेशन पड़ी है तब से तो और भी टाइम का नहीं पता चलता है, पूरा टाइम कुछ ना कुछ करते रहो, कभी घर के काम, कभी व्लॉग एडिटिंग, मतलब यही सब बस चलता रहता है। तो अभी मैं बना रही हूँ मैगी बच्चों के लिए। अभी दक्षिता और आरुषि बस खाएंगे, मुझे मैगी पसंद नहीं है एक्चुअली तो। और जब तक मैगी बन रही है और दूध एक तरफ गर्म हो रहा है, तब तक मैंने ना फ्रिज का कवर मंगाया था, इसका मैंने एक वीडियो बना दिया था कि मैंने अपने घर को सजाने के लिए क्या क्या सामान लिया है। अगर आप देखना चाहो तो इसके पहले वाली वीडियो मैंने पोस्ट कर दी थी, जाके देख सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल दामों पर मैंने घर को, मतलब थोड़ा डेकोरेट करने के लिए कुछ कुछ आइटम्स मंगाए थे ऑनलाइन ही, तो उनमें से एक ये था फ्रिज का कवर भी। मेरे पास पहले भी पड़ा हुआ था लेकिन ना वो फट गया था तो उसको मैंने फेंक दिया, और अभी फ्रिज पे मैंने कवर लगा दिया है। अभी तक मैंने पेपर लगा के रखा हुआ था तो अभी ये कवर लगा दिया है, और तब तक की मैगी बन गई थी तो ढक के रख दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए। फिर अभी दे दूँगी बच्चों को मैगी खाने के लिए, और उसके बाद आगे का अपना काम करूँगी। गरम है, चलो। तो अभी बच्चों को मैंने मैगी दे दी है खाने के लिए, और अपना आ गई हूँ कुछ काम करने। ये किचन कंटेनर का सेट भी मैंने मीशो से मंगाया है, और वो फ्रिज का कवर भी मैंने मीशो से ही मंगाया था। तो राशन तो मैं काफ़ी टाइम पहले ही ले आई थी लेकिन ना, मतलब डब्बे खाली नहीं थे मेरे, तो मैंने फिर से ऑर्डर किया। 12 कंटेनर्स का सेट है ये, तो इसको मैंने मंगाया, और अभी सभी को सामान, जो भी सामान मतलब ऐसे पैकेट में पड़ा था, इन सबको भर दूंगी। और इसके अलावा जो पहले का थोड़ा बहुत मेरा सामान बचा हुआ था, मतलब पैकेट में थोड़ा थोड़ा सा, उन सबको भी भर के रख दूंगी। और ये सब कर ही रही थी मैं तब तक दक्षिता ने एक कांड कर दिया। मुन्ना मुन्ना इसने दाल में दूसरा दाल मिक्स कर दिया था, मिक्स दाल था उसके अंदर मूंग दाल इसमें इसने मिक्स कर दिया था। ये ना कंटेनर ऐसा है कि इसमें आप एक साथ 3 तरह का आइटम स्टोर करके रख सकते हो। ये भी मैंने मीशो से लिया था लेकिन इसको लिए मुझे हो गए हैं 2.5 से 3 साल, और बस इसको इसने बीच में का जो सेपरेटर इसका होता है उसने निकाल दिया था तो वो दाल मिक्स हो गया था। तो बच्चे मेरी हेल्प कम करते हैं, काम ज़्यादा बढ़ाते हैं, घर घर के काम तो ऐसे ही रहते ही हैं, और इसीलिए मैं सोचती हूँ अकेले में करने को, लेकिन अभी समर वेकेशन पड़ा है तो बस इन्हीं सब में निकल जाता है पूरा पूरा दिन। तो बस अभी सारे कंटेनर्स में सारा सामान मैंने भर दिया था और इसको ऊपर रख दे रही हूँ। बस यही प्रॉब्लम है ना, किचन में बहुत ज़्यादा ऊपर बन गया है ये शेल्फ। वैसे ये रेंटेड हाउस है और पहले मैं नीचे रखती थी लेकिन अभी दक्षिता उसमें से कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहती थी, इसीलिए मैंने इसको ऐसे, मैंने सोचा चलो स्टूल लगा करके सामान उतार लेंगे वो ठीक है, लेकिन इसीलिए फिर मैंने ऊपर को ही रख दिया था। और ये सब मैं करके जब तक फ्री हुई ना तब तक लाइट भी चली गई थी, इसके बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू कर भी नहीं पाई थी एक्चुअली। तो अभी सारा कुछ अच्छे से सेट कर दिया है मैंने, और कुछ ऐसा लग रहा है अभी मेरा किचन। जल्दी ही किचन टूर का भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सारे कंटेनर्स एक जैसे बहुत अच्छे लग रहे थे अभी।
अभी ये अगले दिन मॉर्निंग की क्लिप है, क्योंकि कल हुआ क्या था ना, लाइट चली गई थी। फ्राइडे को मैंने ये शुरू किया था व्लॉग, ये सैटरडे मॉर्निंग का है। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, नाश्ते में बस पराठा और मसाला पराठा ही है, हमें आदत सी लग गई है इसकी। तो हफ्ते में 3-4 दिन तो हम लोग बना के खा ही ले रहे हैं, मसाला पराठा और चाय। और हमें अभी ना जाना है डी मार्ट थोड़ा कुछ सामान लेने, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ये सारा अपना काम निपटा रही हूँ। हस्बैंड की आज थी छुट्टी, तो उन्होंने एकदम अचानक से बोल दिया कि आज चलते हैं डी मार्ट, कुछ सामान भी लेना था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो जल्दी से सारा काम कर लेते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, कहीं जाना रहता है तो इसलिए। और मैं फटाफट से अपना कर ले रही हूँ काम। हेलो गाइस, तो अभी बज गए हैं 11:30, नाश्ता हो गया, जल्दी जल्दी मैंने आज सारा काम कर लिया, क्योंकि अभी हमें जाना है कहीं कुछ काम से, कहीं क्या डी मार्ट जाना है। सैटरडे है आज, वैसे तो ये कल वाला ही व्लॉग है, आज कंटिन्यू कर रही हूँ। कल हुआ क्या था, जब मैंने मतलब व्लॉग तो शुरू किया था लेकिन लाइट चली गई थी। मैं देख रही हूँ यहाँ फिर चींटियाँ आ रही हैं, पोछा लगाया अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही, और इतनी चींटियाँ आ गई हैं यहाँ पर। हाँ, तो लाइट चली गई थी, 7 बजे तक व्लॉग कंटिन्यू किया था मैंने, उसके बाद लाइट चली गई, लाइट आई 8:30 बजे। उस टाइम तक हम लोग खाना वाना खा करके फ्री हो गए थे बल्कि, और एमरजेंसी लाइट में फिर लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू उस टाइम नहीं किया। ट्राई किया था मैंने लेकिन लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए फिर वैसे ही छोड़ दिया था। फिर आज मॉर्निंग से मैंने कंटिन्यू किया है, और आज भी ज़्यादा कुछ नहीं मैंने रिकॉर्ड किया अभी तक, क्योंकि जाना रहता है ना। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हमारे पास यहाँ पर ऐसे कोई साधन नहीं है, अपना खुद का गाड़ी स्कूटी कुछ भी, तो हमें कैब ऑटो ऐसे ही कुछ करके जाना पड़ता है। कैब भी नहीं ज़्यादातर हम लोग वो करते हैं इसलिए ना, क्योंकि दक्षिता को फिर वॉमिटिंग होने लग जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग सोचते हैं चलो ऑटो में हवा वगैरह लगता है, इसीलिए ज़्यादातर ऑटो में ही वो करते हैं। पहले नहीं उसको होता था, लेकिन अभी पता नहीं क्यों उसको होता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। तो अभी सारा काम मैंने कर लिया है फिनिश, अभी चलते हैं, पहले तैयार होते हैं। और मैं नहा चुकी हूँ लेकिन लग नहीं रहा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा फिर से यहाँ 2-3 दिन से बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गर्मी। शाम को ठीक रह रहा है लेकिन अभी बाहर बहुत तेज़ धूप है इस टाइम जैसा कि, तो बहुत ज़्यादा भी गर्मी हो रही है। तो खैर चलिए, अभी फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ और तब आपसे मिलती हूँ। कार्टून लड़की है, कहाँ जा रही है? तो बस अभी हम लोग आ गए थे डी मार्ट, और मोस्टली हमने स्नैक्स और कुछ सामान लिया था, अभी घर चल के आपको दिखाऊंगी। तो बस अभी हम लोग आ गए थे घर, और ये सारा सामान है जो हम लोग लेने गए थे। एक्चुअली मुझे कुछ दिन में ना गांव जाना है, तो इसलिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेना था, और किसी ने कुछ सामान भी मंगाया था तो इसीलिए अचानक से जाना पड़ गया था बीच में ही। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।